क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप लोग मिस ना करें। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आज हम आपको बताएंगे कि मेथी के पापड़ कैसे बनते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम ताजी हरी मेथी। इसके अलावा हमें चाहिए आधा बाउल बेसन, थोड़ी सी सफेद तिल, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी हींग, हरी मिर्च और अदरक। हमने 250 ग्राम मेथी ली थी, उसको हम साफ से काट लेंगे, धो लेंगे, उसके बाद इस तरीके से काट लेंगे। अब हम मिक्सी का जार लेंगे, उसमें इस मेथी को ऐसे डालेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, अजवाइन, गरम मसाला, थोड़ी सी हींग और ये अदरक और ये हरी मिर्च। अब इसको हम बंद करके पीस लेंगे, पानी नहीं डालना इसमें। ये मेथी को हमने इस तरीके से जार में डाला था वो पीस लिया है। एक थाली या बाउल कुछ भी ले लेंगे, उसमें ये आधा बाउल जो हमने बेसन लिया था वो ऐसे डालेंगे। ये जो हमने मिक्सर बनाया था इससे हम आटे को गूंथ लेंगे, बेसन को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इस तरीके से मलना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते हैं, इसका एक हमको इस तरीके से डो बनाना है। इसको थोड़ा सा कड़ा ही हमें मलना है, सॉफ्ट नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके से मल के इसका डो तैयार हो रहा है। तेल से इस तरीके से हाथ में लेके ये देखिए मल के इस तरीके से डो तैयार होगा। ये जो मेरा मेथी का डो है इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। ये जो हमने छोटे छोटे बॉल्स इसके बनाए थे, अब इसको इस तरीके से बेल लेना है रोटी की तरह, लेकिन बहुत ही पतला बेलना है। इस तरीके से पतले बेलते चले जाना है, बीच बीच में ये थोड़ा सा तिल व्हाइट वाली लगा देना है। इसी तरीके से हमें सब बेल लेने हैं। बीच में हम बेलते समय व्हाइट वाली भुनी हुई तिल डाल सकते हैं ऐसे। ये देखिए इसको थोड़ा ध्यान से बेलना है क्योंकि बेसन का है इसलिए। अब हमने पैन में ये तेल को डाला है और गैस ऑन करते हैं, इसको फ्राई करते हैं कि तेल हमने चढ़ाया, थोड़ा इसको गर्म हो जाने देंगे तब हम डालेंगे पापड़ को। तेल गरम हो गया है, इसमें हम इस तरीके से पापड़ को डालेंगे और धीमी आंच में हमें बिल्कुल बनाना है। इस तरीके से डालना है, इस तरीके से हमको थोड़ी थोड़ी देर में पलटना है, नहीं चाहिए। मेथी के पापड़ हम लोग जाड़ों में इसलिए बनाते हैं, काफी फायदा करता है, तो इसमें तिल भी पड़ा हुआ है। अगर डायबिटीज है या जोड़ों में दर्द है, इन सब के लिए बहुत फायदा करता है।
बच्चे जैसे आपके मेथी नहीं खाते हैं तो इस वे में आप पापड़ है या पराठे हैं दे सकते हैं। आंच को थोड़ा तेज करेंगे कि इस तरीके से थोड़ा सा कलर और अच्छा हो जाए, ब्राउन जैसा हो जाए, फिर हम इसको निकालेंगे। इस तरीके से हमें निकालना है। इसको आप होली फेस्टिवल पे बना सकते हैं। इसी तरीके से हम धीमी आंच बिल्कुल करेंगे, फिर ये दूसरा डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये मेथी का पापड़ तैयार है। ये आपको कैसा लगा ये हमें बताइए। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।